बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा से न्यूयॉर्क में उनकी छोटी बहन परिणीति चोपड़ा, आदित्य राय कपूर और वरुण धवन मुलाकात करने पहुंचे। परिणीति, आदित्य और वरुण अपने ड्रीम टीम कंसर्ट के लिए अमेरिका की यात्रा पर हैं। एक्ट्रेस जैकलीन तरुण मनसुखानी की अगली फिल्म में एक्शन सीन देने के लिए ट्रेनिंग लेने की तैयारी कर रही हैं। दोस्ताना फिल्म के बाद तरुण एक नई फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम अभी तय नहीं किया गया है। डायना पेंटी अपनी आने वाली फिल्म हैप्पी भाग जाएगी को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। इनका कहना है कि आजादी, स्वतंत्रता, बहादुरी के मामले में असल जिंदगी में भी ये हैप्पी की तरह ही हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कैटरीना कैफ की चर्चित फिल्म बार बार देखो का नया सॉन्ग तेरी खैर मंगदी रिलीज हो गया है। इस बेहतरीन सॉन्ग को सिंगर बिलाल सईद ने गाया है और इसका म्यूजिक भी दिया है। फिल्म 9 सितंबर को रिलीज हो रही है। सलमान और लुलिया कब शादी के बंधन में बंधेंगे, सभी जानना चाहते हैं। इसे लेकर जब अरबाज से सवाल किया गया तो अरबाज मजाकिया अंदाज में बोल गए कि सलमान की शादी पर तो उनकी पहली फिल्म से ही कयास लगाए जाने लगे थे। अमेरिकी जांच से परेशान शाहरुख खान फिर फैमिली के साथ अमेरिका में हैं और अपने बेटे को बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्म्स पर ध्यान देने की सीख दे रहे हैं। दरअसल शाहरुख के बड़े बेटे आर्यन ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया में फिल्म मेकिंग कोर्स में एडमिशन लिया है। सुजॉय घोष की शॉर्ट फिल्म अहिल्या में अपने दमदार किरदार से सुर्खियां बटोर चुके एक्टर तोता राय चौधरी ने अपनी अगली फिल्म कहानी 2 को रहस्यमयी फिल्म बताया है। हाल ही में इस अभिनेता ने नॉर्थ बंगाल में कहानी 2 की शूटिंग खत्म की है। अभिनेता अक्षय कुमार की धूम न सिर्फ इंडिया में बल्कि रियो ओलंपिक में भी मची हुई है। हाल ही में मैक्सिकन तैराक करीम अचाज और नूरिया दियोस दादो ने अक्षय के हिट सॉन्ग आइला रे आइला में स्विमिंग स्टाइल में डांस किया। अभिनेत्री रवीना टंडन को बच्चियों के सशक्तिकरण की दिशा में योगदान के लिए सैन फ्रांसिस्को के सिलिकॉन वैली में आयोजित फेस्टिवल ऑफ ग्लोब में सम्मानित किया गया है। रवीना ने 21 साल की उम्र में 2 लड़कियों को गोद लिया था। वो महिलाओं के अधिकारों के साथ जुड़ी कई पहलों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। कलर्स इन्फिनिटी पर 27 अगस्त से शुरू होगा मिस डीवा का सफर। 16 फाइनलिस्ट के साथ पूर्व मिस यूनिवर्स लारा दत्ता पेश करेंगी 6 एपिसोड रियलिटी सीरीज। फिलीपींस में होने वाली मिस यूनिवर्स 2016 कॉन्टेस्ट में विनर करेगी भारत की नुमाइंदगी।